चुनना और उन विषयों पर फिल्म बनाना वाकई जोखिम का काम होता है और बहुत सजगता के साथ चलना पड़ता है। तो आशीष नेहरा जी से इस फिल्म के लिए जो अनुभव हुए उन्हें किस तरह से कैसे सबसे पहले तो इस विषय को चुनना, ये कहानी मूल रूप से किन की है? मैं मेरी टीम को एक बार आपसे इंट्रोड्यूस कराना चाह रहा हूँ एंड बिकॉज आप लोग आए हैं यहाँ पर तो आप उनसे भी मिलें जो इस फिल्म का हिस्सा थे एंड वी आर वेरी मच थैंकफुल टू बॉम्बे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इन मुंबई। तो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू दिस प्लेटफॉर्म। और अभी जो मेरे साथ हैं रुचिता देओल जिन्हें आपने रुखसार की भूमिका में देखा है, या प्लीज आ जाइए। तो एंड रौनित आपने उनको नवाब की भूमिका में देखा है अभी। एंड हमारे साथ मोहित तंवर हैं जो कैमरा टीम से थे हमारे साथ एंड लाइक ही डन अ ग्रेट जॉब। और ऑल दो बहुत डार्क फिल्म था बट थोड़ा सा आई थिंक स्क्रीन की वजह से भी और ज़्यादा डार्क लग रहा था आपको, थीम हमारा डार्क था फिल्म का। एंड अभिषेक श्रीवास्तव है हमारे साथ द को प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म। तो वी आर वेरी मच थैंकफुल टू द होल दिस फेस्टिवल सर्किट। एंड आपने एक अच्छा सवाल किया था मुझसे, वो सवाल ये था कि कितना चैलेंजिंग आपने पूछा था, आपके लिए कितना देखना चैलेंजिंग रहा है। मैं तो वो उसको मैं मानता हूँ, अगर आप ये फिल्म देख पाए और उसके बाद भी सहज महसूस कर रहे हैं तो फिर अलग बात है, लेकिन असहज हैं तो समझिए मेरे लिए कितना डिफिकल्ट था इसको आइडिया को। यस हाँ यस 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 दैट्स द पॉइंट। प्लीज़ दैट्स द पॉइंट सर। मतलब मैं ये ऑडियंस से मैं ये पॉइंट चाहता था कि उनके लिए कितना असहज है ये देखना कि वो तालियां आप बजाने के उस जॉनर में है ही नहीं। स्टंट थे, यस यस, बिकॉज आप स्टन रह जाते हैं तो आप कहाँ ताली बजाएंगे, कहाँ आप सोचेंगे एंड दिस मेक्स यू डिस्टर्ब एंड दैट्स द होल पॉइंट ऑफ दिस फिल्म कि आप जो देख रहे हैं वो कितना मुश्किल है और लोग कुछ जी रहे हैं ये चीज़, आप समझ रहे हैं उनके लिए कितना ज़्यादा मुश्किल है। तो दिस इज़ द होल एज एन डायरेक्टर मैं जो कहना चाहूँगा, बट मेरे एक्टर्स हैं यहाँ पर, मेरे प्रोड्यूसर्स हैं, आप इन पे से पूछ सकते हैं बिकॉज ये ट्रस्ट करना एक आई एम अ न्यू कमर बिल्कुल कहूँगा मैं, ठीक है, ये मेरा पहला फिल्म है और आज बॉम्बे में ये कभी नहीं सोचा था जिंदगी में, मतलब इस तरीके से आज से 10 साल पहले जब मैं जिस फिल्म संस्थान वो टूट के ना गिर जाऊँ तो ये इस जो मंच हमें मिला है यहाँ पर वी आर वेरी मच थैंकफुल। एंड यशपाल सर हमेशा हमें मोटिवेट करते रहे बिकॉज व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट जब मैं रोहतक फिल्म स्कूल में था तब उन्होंने मेरा शॉर्ट फिल्म देखा था एंड ही अप्रिशिएट अ लॉट। नाउ दिस इज लाइक माय फीचर फर्स्ट फीचर फिल्म जो आपके सामने मैं आया हूँ इसको लेकर, मेरी टीम है इनके लिए कितना चैलेंजिंग है, आई थिंक एक छोटा सा वाइंड अप आपको उनके साथ करना चाहिए। यू शुड आस्क देम। रुचिता से मैं पूछना चाहूँगा, रुचिता जब आपके पास ये प्रोजेक्ट आया, जब आपको बताया गया इस प्रोजेक्ट के बारे में, तो आपका क्या रिएक्शन था इसको लेकर? स्क्रिप्ट डिस्कशन हुआ था पहले तो हमारा, पहला रिएक्शन तो ये था कि आशीष के साथ काम करना मिल रहा है बिकॉज मैंने इनके साथ पहले काम किया है बट उसमें वो ये मेरे को एक्टर थे, डायरेक्शन में ये पहली फिल्म थी। स्क्रिप्ट पढ़ के हाँ थोड़ा लगा था कि थोड़ा मुश्किल बिकॉज आप उस समाज के उस तबके से उससे पर्सनली नहीं जानते हो या आपने इतने रूबरू नहीं हुए होते हो, बट जब मैंने करेक्टराइजेशन किया तो ये सोचा कि भाई प्रोस्टिट्यूट भी इंसान होते हैं तो उसे एज ए इंसान मुझे पोर्ट्रे करना है कि उसकी क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं, क्या सिचुएशन में है, क्या इन्वायरमेंट है, क्या उसकी इनर फीलिंग्स हैं, तो ये सब। और मैं एक बात कहना चाहूँगी कि कई लोग बड़ा डीग्रेड करते हैं प्रोस्टिट्यूट्स को, बट मेरा मानना ये है कि सब मजबूरी में ही आते हैं और 80% ह्यूमन ट्रैफिकिंग की वजह से प्रोस्टिट्यूशन में होते हैं। और अभी नॉर्मली हमारे समाज में लड़कियों की ऐसी स्थिति है, सोचिए अगर प्रोस्टिट्यूट्स नहीं होती तो लड़कियों की क्या स्थिति होती, तो एक तरीके से वो सोशल वर्क भी कर रही हैं तो उन्हें एज अ पर्सन हमें रिस्पेक्ट भी देनी चाहिए, ये नहीं कि उसके प्रोफेशन से हम उन्हें जज कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे मैंने बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज इस टॉपिक पर देखी हुई हैं पहले से, तो जो सोशल वर्कर्स होते हैं उनको सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है वो ये आती है कि वो वहाँ से तो उनको बचा के ले आते हैं लेकिन उसके बाद उन्हें समाज में वो जगह नहीं मिल पाती है, समाज उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। तो ये एज अ सोसाइटी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर वो उससे निकल रहे हैं तो उन्हें अपनाएं, उन्हें रिस्पेक्ट दें और उन्हें काम करने का कोई और काम करने का जरिया भी प्रोवाइड करें। क्या बात है, नवाब हमारे साथ हैं इस फिल्म में,
तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, मतलब इस फिल्म की मेकिंग के दौरान कोई आपका सबसे बेस्ट मोमेंट जो आप शेयर करना चाहें? सर, हम लोग की 25 दिन की शूट हुई थी और 25 दिन के सारे मोमेंट्स मेरे बेस्ट मोमेंट्स रहे। दैट्स रियली ग्रेट। मैं सेट पे 7 दिन पहले ही पहुंच गया था, तो मेरे लिए क्योंकि मैं बॉम्बे में रहता हूं और मेरी जो आबो हवा है वो बॉम्बे की है, तो मुझे अडेप्ट होना और आशीष सर को समझना, तो मुझे वो 7 दिन लग गए थे और बहुत मज़ा आया वाकई में। टीम बहुत ही बढ़िया है और मेरा बहुत ख्याल रखा है। और एक चीज़ अगर आपने नोटिस की दोस्तों, पूरी फिल्म एक घर में है और वो घर आशीष भाई का है। हाँ, वो घर मेरा ही है जिसमें हमने पूरी फिल्म इन्हीं के घर पे शूट हुई है वो। एंड दिस इज द ओनली थिंग जो मैं कहना चाह रहा था, मतलब ये कोई आप इसको बॉलीवुड फिल्म नहीं कहेंगे, बिल्कुल मैं जानता हूँ ये उसमें उस स्तर में नहीं है, बट ये फिल्म इसलिए इसी तरीके से बनाई गई थी बिकॉज इट्स इंडिपेंडेंट फिल्म। हमें कोई प्रोड्यूसर्स उस तरीके से नहीं मिले थे। इज़ द वन जो हु ट्रस्ट अस समवेयर इन द प्रोसेस, बिकॉज ये फिल्म बनाने के लिए मैं खुद ही लग पड़ा था, मतलब कि ठीक है कोई नहीं समझ रहा कहानी को, चीज़ों को नहीं समझ रहा। बिकॉज आई केम इन बॉम्बे इससे पहले, इस फिल्म से पहले मैं एक स्क्रिप्ट लेकर आया था, दैट फिल्म वॉज लाइक सबको बहुत पसंद आया, बट देन वेन दे वॉन्ट टू मेक इट तो वो बोले इसमें चेंज करो, ये चेंज चाहिए, ये चाहिए, ये कमर्शियल होना चाहिए, गाने चाहिए, ये चाहिए। साइड आपको स्क्रिप्ट पसंद आया था, अब आप बनाने के टाइम आप इसको सब बदल रहे हैं, राइट? आई डोंट वांट टू डू दिस। तो बोले कि जब तुम बनाओगे तब लोग तुम्हें स्वीकार करेंगे, अभी तुम सिर्फ बनने का हिस्से में आए हो। बिल्कुल तो बिल्कुल सही कहा, या तो गांधी मैं चुन सकता था या फिर ये आंधी चुन सकता था। तो ये मेरे लिए बड़ी डिफिकल्ट थी ये फिल्म, और इन सब लोगों का ट्रस्ट मेरे लिए उससे भी बड़ा मुश्किल था, क्योंकि जो सिचुएशन जो इन्होंने कहा, ये हमने जून की गर्मी में ये शूट की थी और हरियाणा में या नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है उस समय पे, लेकिन ये एक्टर्स ने उफ नहीं किया, दे वर वर्किंग लाइक कंटिन्यूसली डे एंड नाइट, हम लोगों ने इस पे काम किया। क्या बात है। तो आई एम वेरी मच थैंकफुल कि इसको पहली स्क्रीनिंग, ऐसी पब्लिक स्क्रीनिंग मिल रही है, एंड आप जो ह्यूज, इट्स अ ह्यूज क्राउड, मतलब अनएक्सपेक्टेड हमारे लिए, मतलब इतना तो हरियाणा में मैंने रोडवेज में देखी है फिर भीड़ ना, मतलब थिएटर में तो नहीं देखी होगी बट हरियाणा में कहो तो कभी चाले पड़ रहे हैं। जी 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 जी। सो थैंक यू, एंड अभी आप इनसे कोई सवाल छोटा सा करना चाहते हैं तो, बिकॉज इज द प्रोड्यूसर हु टुक। बिल्कुल बिल्कुल। अब प्रोड्यूसर जाहिर सी बात है जितना जी मैं हम लोग सारे, मतलब जो भी यहाँ पे जो लोग हैं वो सब फिल्म फैटर्निटी से जुड़े हैं या फिल्म्स के ही लोग हैं, लेकिन किसी फिल्म के लिए प्रोड्यूसर मिलना मतलब भगवान मिलने जैसा होता है। यस 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 यस। बिकॉज एक देखिए, वो मुझे नहीं जानते, मैं उन्हें जानता, बट वो मेरी फिल्म को जानते थे। That's why then he decided to be part of it. We made it somewhere. We done the whole film. But abhi aage kaise leke jaye, to he's the one who decided ki let me take interest into it. So this is the whole point. Wow! Congratulations to you. Aapne itna sundar subject chuna apne production ke liye. Wow! And this is debut film of all. Matlab inka bhi as in production, inka debut hai, mera bhi as an actors, hum logon ka bhi. To ji sir, ji sir, please. क्योंकि मैं भी इस राह से गुजर चुका हूँ। मेरा एक सवाल है प्रोड्यूसर साहब से कि ना तो कोई आइटम सॉन्ग है, ना फाइटिंग है, ना ही ग्लैमर कुछ ऐसा वैसा है कि मतलब रोमांटिक सॉन्ग हो, ना ही कुछ भी ऐसा है कि जो यंग जनरेशन को जो एकदम उकसाता हो, गालियां हो, डबल मीनिंग के डायलॉग हो, फिलाना हो, ढिकड़ा हो, बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, तो पैसा क्यों लगाया? सर कॉन्सेप्ट अच्छा है, मूवी का कॉन्सेप्ट अच्छा है, पिक्चराइजेशन अच्छा है, और मेन बात है ये सोशल प्रॉब्लम है। आप इंडिया में देखेंगे, कहीं पे भी देखेंगे, हर जगह सेम ही प्रॉब्लम है, फीमेल्स की हर जगह यही प्रॉब्लम चलती है, चाहे आप समाज सेवा। कॉन्सेप्ट अच्छा है भाई साहब, इनके लिए जोरदार तालियां बजाओ, क्योंकि ऐसे कुछ और लोग भी हैं क्या भाई? यहाँ बता दियो, क्योंकि बनाने वाले बहुत लोग हैं, पैसा लगाने वाले कम हैं, हमको चाहिए यहाँ बहुत सारे लोग। तो लेकिन अभी चिंता मत करो, अच्छा दौर आ गया है। हाँ जी। और पिंजरे की तितलियों को आज मैं, कल भी अनाउंस किया था, शायद तुम नहीं थे। हाँ जी। कल एक फिल्म आई थी, हू एम आई, वो फिल्म भी बहुत बढ़िया है, और ये फिल्म भी, पिंजरे की तितलियां भी, ये लो बजट की फिल्में हैं, इनको करोड़ों रुपए का जो वो है प्रमोशन नहीं हो सकता, तो हम आप लोग ही माउथ पब्लिसिटी से ये काम कर सकते हैं और सोशल मीडिया से कर सकते हैं। So let us promote that, everybody. Thank you so much, आपका ये कहना, and we are very much thankful for it. And because ये बहुत ही limited resources में हमने काम किया, आप सोचिए अगर हमें resources मिलेंगे तो फिर हम क्या क्या कुछ नहीं कर सकते। आप समझ रहे हैं, मैं हरियाणा में ही रह के
रोहतक में एक छोटी सी जगह पर मैंने ये पूरा फिल्म क्रिएट किया और आपके सामने लेके आया। मैं बॉम्बे नहीं आया फिल्म बनाने के लिए, नहीं आया। हाँ, बॉम्बे में पैसा है लेकिन कहानियाँ, फिल्मकार कहीं देश के दुनिया के कोनों में बैठे हैं। प्लीज़ आप उन तक पहुँचिए या उन्हें आप तक आने दीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ हमारी फिल्म को जितना आप लोग कहेंगे उतना लोग इसे देखेंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। Question I had, she said, like the team said, that it's a kind of social work. What I believe, nobody comes in a prostitute from their will. Either they have some financial situation, that's fine. Everybody can come. There is no bad thing in prostitution because hum bhi pet paal rahe hain, hamare paas resources hain, hum actor hain, hamare paas resources hain, hum businessman hain. They don't have, they are doing it. It's fine. लेकिन वो सोशल वर्क नहीं है। यस, उनकी वजह से हम बचते हैं, नो डाउट। अगर प्रोस्टिट्यूट नहीं होती तो कई जगह ज्यादा रेप केस हो रहे होते, नो डाउट। बट इट्स नॉट अ सोशल वर्क। आई डोंट अग्री टू दिस पॉइंट। हाउ कैन इट बी अ सोशल वर्क? एनीबॉडी फ्रॉम द टीम, बिकॉज़ ओके, आई थिंक आई यूज अ रॉन्ग वर्ड, शायद सोशल वर्क नहीं कहना चाहिए, बट हाँ मैं ये कहना चाहूंगी कि उनकी वजह से काफी लड़कियां बच रही हैं। बट ये हमारे समाज की प्रॉब्लम है। हाँ, मैं वही मैं बोल रही हूँ कि हमारे समाज की सेम थिंग आई सेड ना, कि ये सोसाइटी की प्रॉब्लम है, ये उनकी नहीं, ये सोसाइटी की, कि हम ऐसे हैं। हाँ, मजा आया। हाँ, बस हमें यही चाहिए, यही मुद्दा चाहिए हमें कि लोग इस पर बात करें, नाराजगी दिखाएं और सहमत दिखाएं। बिल्कुल, हम चाहते हैं, हम दिस इज समथिंग नाइस। भैया देखिए, सोशल वर्क इज, मैंने इनके कंटेक्स्ट में कहा था, अगर आप मेरे मुंह से सोशल वर्क आपने सुना है तो बिकॉज ही टुक अ चैलेंज, एंड इनका सोशल वर्क कहने का था वो एक ह्यूमन पर्सपेक्टिव पॉइंट से जो बात था, वी टॉकिंग ऑन द फिल्म पॉइंट जी। ये बाहर निकलेंगे अभी मेन गेट से ना, ये मेन गेट से बाहर निकलेंगे, आप इन्हें वहां पकड़ सकते हैं, बिकॉज देयर इज अ नेक्स्ट फिल्म ना, आई थिंक उस करके। या ओके 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 जी, व्हाट्स योर गुड नेम? व्हाट्स योर गुड नेम? हरनीत कौर। आर इट सो स्वीट ऑफ यू, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, बिकॉज रियली वी वॉन्ट समथिंग कि लोग इस पर बात करें, टू करेक्ट ईच अदर। या यू नो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, फॉर या इन द ऑडियंस एंड फ्रॉम मी। यस Yes. Director, yes. Should understand yes. Which word we are using. Yes. Yes. वरना फिर आगे लोग इसी चीज को ऐसा social work point. Yes. Yes. This is how we get into politics from the media. Yep. Yep. A film creator politics. I agree to it. I agree to it. I agree to it. Yeah. Yeah. हाँ, इनको जाने मत दीजिएगा ना। Thank you very much. नहीं, इसका उनका कहना भी नहीं, सोशल वर्क करते हैं उनको बुरा लग सकता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आई टेक इट द पॉइंट। लेकिन कोई बात नहीं, शब्दों में मत जाइए, शेक्सपियर ने भी कहा है। अच्छी लगी, थैंक यू सो मच हनी, थैंक यू सो मच। और इंसान गलती का पुतला है, अगर किसी से एक शब्द गलत निकल गया जी, नहीं तो फिर हमारे सारे नेता तो फांसी पे चढ़ जाना चाहिए सबको। यस यस यस, थैंक यू सो मच सर। या प्लीज प्लीज, और क्या कोई सवाल है तो प्लीज आप या करेक्ट करना चाहें कहीं पे हमें, एज अ फिल्म पॉइंट तो आप कह सकते हैं, प्लीज हम मंच पर ही हैं। तितलियां। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस। या जी, अभी आप देखिएगा ज्यादा लक्ष्मी नेक्स्ट है, एंड इन्होंने दिस इज अ बायोपिक फिल्म और बहुत ही कमाल है इसमें, और अभी मतलब प्लीज बी सीटेड, जो लोग फिल्म देखना चाह रहे हैं प्लीज, एंड इट्स अगेन एक इनिशिएट किया है हरियाणा में, तो वी सी वी बोथ आर फिल्म मेकर्स और दोनों अलग अलग तरह की कहानियां लेकर आ रहे हैं। दिस इज समथिंग नाइस कि हम एक चैलेंज ले रहे हैं टू क्रिएट फिल्म, टू मेक फिल्म, तो आप देखिए और ऐसे ही प्रमोट कीजिए हमें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया।